Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of physical education and sports science. जैसा कि आपको मालूम हो कि हम लोग क्लास कर रहे हैं 11th की और 12th की, ये 11th की क्लास है और दूसरी यूनिट आज हम लोग खत्म करेंगे पूरी तरह से। आई होप दैट कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसा कि पहले जो बेसिक्स था फिजिकल एजुकेशन का वो फर्स्ट यूनिट में हम लोग खत्म कर चुके हैं और उसकी सारी क्लासेस जो है वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। बेसिकली ओलंपिक वैल्यू और ओलंपिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक्स हैं उसके, राइट, उन सारी की सारी चीजों पे बात करेंगे हम। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा एक स्पोर्ट्समैनशिप और गेम्समैनशिप में डिफरेंट समझ लीजिए। ये एक बच्चे का क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कराया इसमें, राइट। स्पोर्ट्समैनशिप का बेसिकली अगर आप मतलब देखेंगे तो सिंपली जो स्पोर्ट्समैनशिप का मीन होता है वो ये है कि आप जो है पूरा ईमानदारी के साथ गेम को खेलते हैं, राइट। उसमें किसी भी तरह की कोई भी चीटिंग, किसी भी तरह की कोई बेमानी, बाईपास ऑफ द रूल नहीं है, विद इन रूल, विद इन ह्यूमैनिटी। वो सारी की सारी चीजें जो आपको एक बेहतर प्लेयर बना सकती हैं, वो सारी करेक्टरिस्टिक्स के साथ आप अगर गेम्स को जीतते हैं, जीतने का मादा रखते हैं, तो दैट प्रॉपर्टी इज स्पोर्ट्समैनशिप। गेम्समैनशिप का मतलब ये होता है कि आप बाई हुक एंड बाई क्रुक, चाहे बेमानी करनी पड़े, आपको कुछ भी करना पड़े, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों गेम जीतना है, ये कहलाती है गेम्समैनशिप। यहाँ ऑनेस्टी और ह्यूमैनिटी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ विक्ट्री चलता है, बाकी उसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, राइट। अगर इसमें एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल से मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो भी चीज आपको समझ में आती है उसका एग्जाम्पल हमेशा सेट कर दें। वंस यू विल सेट द एग्जाम्पल इट मीन्स दैट यू हैव द क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक। तो उस टॉपिक की अगर आपको अच्छी समझ है तो आप उसका एग्जाम्पल जरूर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, द शेयरिंग ऑफ फर्स्ट पोजिशन ऑफ गोल्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये और क्वेश्चन एक बन सकता है, इसको देख लो, 2021 का जो ओलंपिक हुआ जापान में, ये फर्स्ट टाइम नहीं, ये सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है कि जब गोल्ड मेडल दो लोगों को मिला है, राइट। कहानी कुछ इस तरह से थी इसमें बेसिकली कि दो हाई जंपर थे, उनके लिए एक पर्टिकुलर हाइट सेट की गई और उनको उसे जंप करने के लिए बोला गया। तो दोनों ने सेम टाइम पे जंप करने के बाद सेम हाइट को क्या किया, कवर किया। देन रेफरी ने उनसे बोला कि नेक्स्ट और हाइट सेट करते हैं, उसको जो कोई भी क्रॉस करेगा दैट विल बी द फर्स्ट रैंक होल्डर और विल बी द विनर ऑफ गोल्ड। देन अगेन बोथ द प्लेयर्स दे हैव क्रॉस द वॉल, देन बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोथ हैव डिसाइडेड कैन बी शेयर द गोल्ड मेडल एंड दे हैव शेयर्ड दैट वन। सो इसकी वजह से जो हाई जंप थी, हाई जंप में इस बार जो गोल्ड मेडल मिला वो गोल्ड मेडल शेयर्ड दो लोगों को मिला, ठीक है। चलिए अब आती है बात स्पोर्ट्समैनशिप में। देखो बॉल टेम्परिंग का केसेस आप लोग सुन लेंगे, जैसे ग्रेम स्मिथ की बात करें, राइट, जो अभी उसको काफी दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था, फिर दोबारा से खेलना शुरू किया, तो टेम्परिंग करना, बुलिंग करना, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो गेम्समैनशिप में आती हैं। स्पोर्ट्समैनशिप एकदम साफ स्वच्छ, सब लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है। ये कहानी थी गेम्समैनशिप और स्पोर्ट्समैनशिप की डिफरेंस के बीच में। अब हम लोग वापस लौटते हैं अपने मेन स्ट्रीम टॉपिक की तरफ, राइट। तो क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ओरिजिन ऑफ बिलोंग्स टू द ग्रीस। जो एंशियंट ओलंपिक है, एंशियंट ओलंपिक को बेसिकली क्या करते हैं, इसका ओरिजिन मानते हैं हम लोग ग्रीस से, ठीक है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इसका डेवलपमेंट जो है वो आगे बढ़ा, किस तरह गेम जो है वो आपके शुरू हुए थे। अब इसमें बात करें तो ओलंपिक गेम स्टार्टेड एट द लॉन्ग एंशियंट ग्रीस, बट एग्जैक्ट बिगिनिंग ऑफ द गेम वाज अननोन। एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं मालूम कि कब हुए थे, राइट। देन जो रिकॉर्डेड गेम की बात करें, फर्स्ट अगर रिकॉर्डेड गेम देखा जाएगा तो आप डाउन में आ जाइए, नीचे यहां देखिए 776 BC जो है वो रिकॉर्डेड गेम माना जाता है, ठीक है। ये गेम शुरू कैसे हुए, नाउ वी विल नो अबाउट द स्टोरी हाउ इट वॉज स्टार्टेड। So story about to start the game is that there was a god Zeus, the fought with his father Charon, right? उन्होंने अपने डैड के साथ फाइट करी और ये फाइट इसलिए हुई मेरे बच्चों कि वो टेक ओवर करना चाहते थे वर्ल्ड को, इस वजह से ताकि और ज्यादा बेटरमेंट ला सकें वो, और ज्यादा अच्छाइयां पैदा कर सकें दुनिया में, ठीक है। तो उनके उनके डैड से फाइट हुई, उनके पिता से, और फाइनली उन्होंने अपने पिता को माउंटेन वैली के टॉप पे, जो कहाँ पड़ती है, साउथ ईस्टर्न ग्रीक में, उनको हराया। और उसके बाद से फाइनली जब उनके पिता हार गए तो ओलंपिया में, जो ओलंपिया वैली थी, उस ओलंपिया वैली में लोगों ने उनकी
एक स्टैच्यू बना दी, और स्टैच्यू के बाद कई सारे मंदिर वहां पे बनाए गए, देन दे स्टार्ट द प्रेयर। क्या इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? आगे हम लोग बात करेंगे द कल्मिनेशन ऑफ एंशियंट गेम। तो इस तरह से ये क्या था, एक तरह से वहां पूजा अर्चना ये सारी चीजें होने लग गई। देन लेटर क्या हुआ कि जब जो ग्रीस को, ठीक है, ग्रीस को ऑक्यूपाई कर लिया किसने, रोमन रोमन एम्पायर ने, तो फिर धीमे धीमे क्या हुआ, इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कम होने लग गई। बाई 394 AD द रोमन एम्पायर थियोडियस, जो थियोडियस थे, थियोडोसियस ने क्या किया कि इस गेम को स्टॉप कर दिया, और इसकी जगह इस गेम को कंसीडर किया गया किसको, पैगन फेस्टिवल। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि जो थियोडियस था 394 में, उसने जो एंशियंट ओलंपिक था, उस एंशियंट ओलंपिक को किस गेम से रिप्लेस किया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, द ग्रेटेस्ट स्टैच्यू, द ग्रेट स्टैच्यू ऑफ ज्यूस वाज टेकन टू द कॉन्स्टिपल, बाद में कॉन्स्टिपल इसको ले जाया गया स्टैच्यू को, और डिस्ट्रॉय कर दिया गया फायर में। जो स्टैच्यू कहाँ पे बनाई गई थी, ओलंपिया वैली में। ठीक है, देन अगेन 426 AD द रोमन एम्पायर थियोरी सेकेंड ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय ऑल द टेम्पल्स, सारे टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नहीं, देन आगे देखते हैं द लेटर ड्यू द नेचुरल हजार्ड्स, और उसके बाद में कई सारी नेचुरल हजार्ड्स, जैसे ओलंपिक वैली में जो आपका वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू, बाकी नेचुरल फ्लड्स के थ्रू ये हुआ कि ये सारा का सारा जो शहर था वो डिस्ट्रॉय होके दब गया नीचे। ठीक है, इस तरह से इस गेम का डिक्लिनेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि पतन हो गया वहां पे। राइट, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन बहुत सारी चीजों को जानेंगे कि गेम जो है वो किस तरह से होते थे, कौन से इवेंट किस दिन होते थे, और किस तरह से ये सारी की सारी चीजें जो थी वो रन करती थी। द फर्स्ट रिकॉर्डेड गेम कितने में, 776 BC में माना जाता है। देन दिस गेम प्लेड इज द स्टेच्यू ऑफ एथेंस वैली ऑफ एपियर रिवर, इसका नाम आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। दीज गेम्स वर प्लेड इन द ऑनर ऑफ ज्यूस। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो गेम्स थे इसमें जो खेले जाते थे, ठीक है, उस पर मैंने एक ट्रिक बनाई थी, आई होप दैट कि आपको वो ट्रिक याद हो, जोन पा इप। ठीक है, ये मैंने ट्रिक बनाई थी, आई होप दैट अगर आपको नहीं मालूम है तो पीछे जाके आप क्लास में पढ़ सकते हैं। जैसे ज्यूस, ज्यूस के ऑनर में होता था कौन सा, ओलंपिक गेम, और कौन सा, नीमियन गेम। देन पोसिडोन के में स्थीमियन गेम। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आप पीछे जाके क्लास में वापस देख सकते हैं, ट्रिक करके, ओलंपिक ट्रिक करके पढ़ी होगी, आपको मिल जाएगी। इट वॉज ए स्टार्टेड न्यू मून डे, ये न्यू मून डे में, क्योंकि रात में पहले तो बहुत ज्यादा लाइट हुआ नहीं करती थी, तो न्यू मून डे के बाद जुलाई आफ्टर 4 ईयर, पूरे 4 वर्ष के अंतराल पे ये मनाए जाते थे गेम। इट वॉज प्लेड फॉर 4 डेज, फर्स्ट डे में क्या होता था, ओपनिंग रिचुअल सेरेमनी होती थी, बरीड देन सेक्रेट टॉर्च। ठीक है, देन सेकेंड डे में क्या होते थे, एनिमल्स से रिलेटेड गेम होते थे, जैसे हॉर्स राइडिंग वगैरह हो गई, चैरिट रेस वगैरह। ठीक है, वो एनिमल जैसे बुल फाइटिंग वगैरह, इस तरह से आप ये समझ लीजिए एम्फीबियंस के जो गेम थे वो। ठीक है, देन थर्ड डे आप देखेंगे फुट रेस होती थी, चैरिट रेस होती थी, इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, पेंटाथलन क्या होता था, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 इवेंट्स। फोर्थ डे की बात करेंगे तो प्यूगलिस इसको बोला जाता था, कॉम्बेटिव स्पोर्ट होते थे। कॉम्बेटिव स्पोर्ट का मतलब क्या है, इसमें ये होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल बॉक्सिंग आपका हो गया, रेसलिंग हो गया आपका, ठीक है, जिसमें एक दूसरे पे आप मारते हैं या टच करते हैं। ठीक है, फेंसिंग भी हो गया, राइट। तो इस तरह के जो गेम होते हैं वो सारे के सारे कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स होते हैं। देन फिफ्थ डे में आपकी क्लोजिंग सेरेमनी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, पहले सिर्फ ऑलिव क्राउन की पत्तियां मिल जाती थी, राइट, और फ्लाइंग पिजन अनाउंस किए जाते थे इन द नेम ऑफ चैंपियन इन ऑल ओवर ग्रीस सिटी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं, द फेमस हीरो जो थे उस टाइम के कौन थे, होमर, एटलस, हर्कुलस और गैलेन, इतने से लोग जो दो काफी ज्यादा फेमस थे उस टाइम के। देन एंशियंट ओलंपिक केम इनटू द सडन एंड, किसने, 394 AD में थियोडियस सेकेंड ने इस गेम को क्या कर दिया, पूरी तरह से बैन कर दिया। अब चलेंगे आगे और देखने की कोशिश करेंगे, आपको इतना पता होना चाहिए कि
कि जिसकी बात कर रहे हैं, जो हम ग्रीस की बात करें चाहे हम रोमन की बात करें, ये पढ़ते कहाँ पे हैं? फ्रांस, ठीक है, जो बैरन पेरी डी कोबर्टेन है, जो क्या है, फादर ऑफ ओलंपिक, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, ठीक है। देन हम ग्रीस की बात करें तो ग्रीस आपका क्या है, यहाँ पे यूरोप में ये पड़ता है, और प्रेस भी इसके पास ही, यहाँ इसके पास ये आपका ग्रीस पड़ जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं थोड़ा सा, राइट। देन हम लोग मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बात करें तो यहाँ पे आप समझते चलिए, सिंपली हम लोग शॉर्ट नोट में समझेंगे इन सारी चीजों को, क्योंकि एग्जाम भी आपका करीब है। और बाकी अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, देन आई विल कंसिडर इट, राइट। द रिसीव्ड बाई बैरन पेरी डी कोबर्टेन इन 1896 एथेन, ये कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, राइट। इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी? 1892 में। प्लांड किसके लिए? रीस्टोर, फिर दोबारा से गेम को शुरू करने के लिए, कहां पे? 1900 में एट पेरिस, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देन विद द मोटिव, मोटिव क्या था? स्ट्रेंथन एमेच्योर स्पोर्ट, एमेच्योर स्पोर्ट को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने का मोटिव था उस टाइम पे। देन इन जून में एक और मीटिंग हुई आपकी, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किसके लिए? एमेच्योर स्पोर्ट हेल्ड एट पेरिस, पास्ड रेजोल्यूशन टू क्रिएट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी को बनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई और उसकी मीटिंग हुई 1894 में, राइट। टू ऑब्जर्व कंडक्ट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को, जो हम गेम कराएंगे उनको किस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा, इन ऑर्डर टू कंडक्ट द स्मूथ गेम्स देयर वाज ए कमेटी, तो उस कमेटी को गठित किया गया। अच्छा, इसके अलावा और सारे गेम भी हैं, जैसे पैरा ओलंपिक है, डीफी ओलंपिक है, इन सब, ये सब भी क्या है, आपके ओलंपिक की कैटेगरी में आते हैं, तो मैं इनका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए। बाकी हम लोग जब नेक्स्ट यूनिट इसकी डीफी ओलंपिक वाले में आएंगे, CWSN का चैप्टर पढ़ेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म्स, राइट। सो फर्स्ट क्लब फॉर द डीफ वाज एग्जिस्ट कितने में? 1888 में बर्लिन में किया गया था ये। फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स वर हील्ड इन रोम इटली 1960 में। आईपीसी की बात करें, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, गवर्निंग बॉडी इन द वर्ल्ड फॉर डिफरेंटली डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। द रेंज ऑफ डिसेबिलिटी में कौन कौन शामिल किया जाता है? इम्पेयर्ड मसल पावर, इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, लिम्स डिफिशियंसी, लेग लेंथ डिफरेंस, ठीक है। देन स्वॉट स्ट्रक्चर की बात करें, ड्वार्फ, हाइपरट्रोनिया की बात करें, तो ये सारी की सारी जो कंडीशन है, ठीक है, इनके अंदर जो है वो कंसिडर किए जाते हैं कि डीफी ओलंपिक में जाओगे आप, पैरा ओलंपिक में जाओगे, या किस तरह के ओलंपिक में आपको रखा जाएगा, राइट। आईओसी रिकॉग्नाइज द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले जो एथलीट होते हैं, पर्सन होते हैं, वो कौन से ओलंपिक में खेलते हैं, तो वो किसमें खेलते हैं? स्पेशल ओलंपिक में, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उन 2016 की बात करें तो रियो ओलंपिक गेम हैव 22 स्पोर्ट, 22 स्पोर्ट इसमें शामिल किए गए थे, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक की और आप एलेबोरेशन करूं मैं आपको, तो इट वॉज स्टार्टेड बाई द इंटरनेशनल यूनिक कैनेडी शिवियर, द सिस्टर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, ठीक है। फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन एथलीट्स आइडिया वॉज बॉर्न टू सींग सोशल एग्जीक्यूशन ऑफ द पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, सी बिलीव दैट इफ दे गॉट द इक्वल अपॉर्चुनिटी दे विल गो फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक की बात करें तो गेम जो है वो हेल्ड किया गया था कहां पर? प्रॉब्लम है भाई, चलिए सिंपली सो, तो यहां तक बात एकदम क्लियर है कि कोचिंग और इन सारी चीजों की बात हो गई स्पेशल ओलंपिक को लेके। देन स्पेशल ओलंपिक से हम लोग आगे बढ़े तो बाकी ओलंपिक की कुछ चीजें और देख लेते हैं। इनमें हम देखेंगे ओलंपिक सिंबल की बात आती है, राइट। ओलंपिक सिंबल में आपको याद रखना है बिबग्योर, BYBGR, इसमें आपका सीक्वेंस पूछ लेता है, इसमें रिंग कितनी होती है? 5 रिंग होती है, और ये 5 की 5 क्या करती है? कॉन्टिनेंट्स को शो करते हैं, ठीक है। देन ब्लू, येलो, ब्लैक, रेड और ग्रीन, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके लिए टास्क दे रहा हूं कि कौन सा कलर किस कॉन्टिनेंट को, कलर टू कॉन्टिनेंट, ये आपको मैच करके लिखना है, ठीक है। चलिए बाकी ओलंपिक फ्लैग को देखिए आप,
ओलंपिक फ्लैग जो है वो डिजाइन किया गया था पेरी कोवर्टेन द्वारा 1913 में, और सबसे पहले यूज किसमें किया गया, 1920 के ओलंपिक में। ईच रिंग डिनोट्स टू द कंटिनेंट एंड दियर, व्हाइट कलर डिनोट क्या करता है, पीस, सबके बीच में पीस को बनाए रखना है, ये मोटिव होता है व्हाइट कलर का, इसलिए व्हाइट कलर को यूज किया जाता है बैकग्राउंड में। ठीक है, अब हम लोग ओलंपिक मशाल की बात करें, तो आप इसको वीडियो को रोक के बीच में यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह की जो मशाल थी वो हर एक डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप उसकी बात करेंगे ईयर्स की, तो अलग अलग उसमें अलग अलग डिजाइन की बनाई गई है। इससे अक्सर क्वेश्चन इससे पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। सबसे पहले 1928 में एमस्टरडम ओलंपिक में मशाल की यूज की गई थी। तो ये क्वेश्चन क्या है आपसे अमूमन पूछा जाता है, ठीक है। इट सिंबलाइज टू द कंट्री बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। इट इज यूज फॉर द कैंडल फ्लेम होस्ट स्टेडियम विद द फर्स्ट सनरे इन द ग्रेस ओलंपियाड, राइट, देन कैरिड टू द साइट ऑफ द गेम बाय द रिले ऑफ रनर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में देख लीजिए। जहां तक ओलंपिक मोटो की बात करें, तो ओलंपिक मोटो क्या है, एलटीएस, सिटीएस, फोर्टीएस, देन कम्युनिस्ट भी इस बार आ गया है, राइट। तो सिटीएस का मतलब फास्टर, एलटीएस का मतलब हायर, फोर्टीएस का मतलब स्ट्रोंगर, और टुगेदरनेस इसका मतलब है, ये 2021 में इसको शामिल किया गया है। अब हम 2021 में जो इंडिया के टोटल मेडल्स हैं 2021 तक, उनको देख लेते हैं। टोटल मेडल हमारे पास कितने हैं, 35, जिसमें 10 गोल्ड है हमारे पास, 9 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज अब तक के टोटल, जब से ओलंपिक आपका शुरू हुआ है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट चीज मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ इसमें, देखिए कि जो आपका ईच ओलंपिक गोल्ड मेडल होता है, राइट, वो 210 ग्राम ऑफ सिल्वर इसमें होती है, कोटेड 6 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड उसमें मौजूद होता है, राइट। आईओ की बात करें तो गोल्ड जो उसको 75 लाख, सिल्वर 40 लाख, ब्रॉन्ज 25 लाख, ठीक है, ये अमाउंट रहता है इसका, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के जो होल्डर्स होते हैं उनको क्या होता है, मेडल तो मिलता ही मिलता है, मेडल के अलावा और क्या मिलता है उनको, मेडल के अलावा उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, कब तक, 6th पोजीशन तक, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो सर्टिफिकेट हो गया, मेडल हो गया, राइट, इतनी बात क्लियर है। अगर एंशियंट ओलंपिक की बात करें तो एंशियंट ओलंपिक में क्या हो जाता है, ये इसको आप ये नहीं समझें, इसको आईएओ की बात हो रही है।